बट फिलहाल के लिए अभी हम कैंसिल कर रहे हैं ये ड्रीम ट्रिप। अभी हम जा रहे हैं मुंबई, क्यों जा रहे हैं, क्या हो गया, सब आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसके। आज का व्लॉग कैसे बताऊं आपको, एक शॉकर है। बैड न्यूज से शुरू करना पड़ रहा है, जब सपने टूटते हैं तो कैसा लगता है आज के व्लॉग में पता चलेगा। सारा सामान जो है वो हमने गाड़ी में रख दिया है, जाते जाते 2 बज चुके थे तो हमने सोचा कि यहीं से खाना खा के चले और खाना आ चुका है। खाने में चिकन दाल पनीर रोटी और चावल आ रहा है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। सत्या गौरव, हम लोग गौरव जी के यहाँ रुके थे। अभी प्याज नहीं है, वो शेल से। मेरे को प्याज लगा। तो फाइनली निकल रहे थे हम लोग उड़ीसा से और हमारे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं वापस, ये वॉलंटियर्स में थे। अच्छा हुआ कल का मीटअप, अभी हम जा रहे हैं मुंबई, क्यों जा रहे हैं, क्या हो गया, सब आपको बताएंगे। थोड़ा सा मेरे को ना प्रोसेस करने दो कि ये क्या हुआ है, एंड देन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कैसा लग रहा है मुंबई वापस जा रहे हैं? एक्साइटेड, ड्रीम ट्रिप को छोड़ के जा रहे हैं और तू एक्साइटेड है? झूठ बोलती है लड़की है। मुझे जेन्युइनली ड्रीम ट्रिप में बहुत मजा आ रहा था, जो कुछ भी देख रहे थे, इतना वैरायटी देख रहे थे, इतना डायनामिक ट्रिप था, और सडनली नाउ एवरीथिंग बैक टू जीरो, तो वो थोड़ा सिंक इन होने को टाइम लगेगा। ऑब्वियसली मेरे को अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि हम मुंबई जा रहे हैं। अब लेंगे जी एक प्रोटीन ब्रेक। साइबर मंथ हो या आजकल का बहता हुआ फास्ट टाइम, कुछ भी टाइम पे नहीं होता, ना खाना टाइम पे होता है, ना न्यूट्रिशन टाइम पे होता है, बहुत क्योटिक हो गया। मतलब ऐसे टाइम पे हेल्दी रहना एक टास्क सा हो गया है। जो भी चीज हमें फन या एक्साइटिंग लगती थी अभी बहुत क्योटिक हो चुका है, और इस क्योटिक सिचुएशन में माई प्रोटीन ने लाया है काम इन द क्योस। माई प्रोटीन का ब्लैक फ्राइडे मंथ चल रहा है, और मैंने देखा है कि ब्लैक फ्राइडे सेल में ना लोग हाथापाई तक उतर जाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप आराम से इस क्योटिक लाइफ में घर में बैठ के कामली ऑफर का मजा ले सकते हैं। और इस ब्लैक फ्राइडे मंथ के सेल में अगर आप मेरा कूपन कोड एमएसके यूज करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 33% का ऑफ। बेस्ट ऑफर के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाके ऑर्डर करें, अपना न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स एंड प्रोटीन्स रीस्टॉक करें। तुमने मेरा फोन गिरा दिया इसमें से। हाँ, मैंने तुम्हारा फोन गिरा दिया। सनसेट का टाइम हो रहा है, क्या खूबसूरत दिख रहा है। जब सनराइज होता है तो बहुत ऐसे पॉजिटिविटी लगती है, और सनसेट होता है तो ऐसा लगता है सो जाए। सनसेट पॉजिटिव है, लेकिन सनसेट होने का मतलब कैसा होता है, काम, उगता हुआ सूरज और ढलता हुआ सूरज देखने में सिमिलर लगेगा, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है, दोनों की वाइब अलग है, दोनों को देखते वक्त हमारे थॉट प्रोसेस भी अलग अलग होता है। कभी कभी फिलोसफिकली बात भी कर लेते हैं। एक मोमेंट ही एक सनसेट वाला मोमेंट है। जब ये ट्रिप स्टार्ट किया तो वो एक सनराइज था, अभी सनसेट हो रहा है, और कल वापस से सनराइज होगा, उसकी कोई चिंता नहीं है, फिलहाल तो सनसेट हो रहा है। पर हमारी ट्रिप खत्म हो रही है। तो ये जो हमारा ड्रीम ट्रिप है ये तो कैंसिल हमने कर दिया, वापस जा रहे हैं मुंबई की तरफ, लेकिन क्या रीजन है जिसकी वजह से ये ड्रीम ट्रिप को कैंसिल करना पड़ रहा है, उसके ऊपर मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। पहला जो रीजन जहां से ये थॉट आया कि ड्रीम ट्रिप को कैंसिल करना है, वो ये कि एक इमरजेंसी है जिसके लिए मुझे मुंबई जाना है, 4-5 दिन का वक्त चाहिए मुझे। तो मैंने सोचा था कि मतलब जिस तरह से लास्ट टाइम मैं गया था वैसे ही फ्लाइट पकड़ के जाएंगे, वापस आएंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। ये जब सोच रहा था मैं, एंड देन सडनली थॉट पहुंचा कि वापस जाऊंगा मैं फ्लाइट पकड़ के, ये लोग तो यहाँ पर रहेंगे नहीं, इनको भी वापस जाना पड़ेगा, फिर एक हफ्ते बाद वापस आके इस ट्रिप को कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसे लगेंगे। लास्ट टाइम का मेरा जो फ्लाइट का कॉस्ट आया था, खर्चा यहाँ वहाँ का रुकने का, वो लगभग 65,000 से 70,000 तक था। अभी भी अगर मैं जाऊँगा तो अराउंड 40,000-50,000 खर्चा फिर से होगा। ये ट्रिप में हमारे पास कोई बड़ा स्पॉन्सर नहीं है, हर मिनट हमारा पैसा खर्चा होता है। अगर हमें चाय पीना हो, पानी पीना हो, कहीं रुकना हो, कहीं मूव करना हो, हर जगह पे पैसा पानी की तरह जा रहा है। और इस ड्रीम ट्रिप का जो हमने बजट बनाया था, मुझे पता था कि इसमें खर्चे होंगे, अगर स्पॉन्सर आए या नहीं आए, फिर भी ये ट्रिप तो हम करेंगे।
भारी भारी हो गया सब कुछ, सुबह से अभी सही शब्द भी नहीं निकल रहे हैं, बयां बहुत कुछ करना है लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। तो नेगेटिव थॉट आना शुरू हुआ जब इमरजेंसी आई, फिर वहां से थॉट पहुंचा पैसे की तरफ, और फिर वहां से थॉट ये भी पहुंचा हमारा जो एवरेज व्यूज आते हैं ठीक है वो 2-2.5 लाख तक आते हैं, अभी अगर हम लास्ट 10 वीडियोस का देखेंगे तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि लोग ये ड्रीम ट्रिप को उतना पसंद नहीं कर रहे जितना मेरे नॉर्मल वाले व्लॉग्स को पसंद करते हैं। नॉर्मल वाले व्लॉग्स डालता हूँ उसमें अच्छे खासे व्यूज आते हैं। एक प्रोडक्ट जो पब्लिक को पसंद नहीं आ रही है तो हम क्या करें, प्रोडक्ट चेंज करेंगे जो लोगों को पसंद आए? ऐसे एक रीजन नहीं है इस ड्रीम ट्रिप को कैंसिल करने का, काफी सारे रीजन है। शुरू वही हुआ था कि इमरजेंसी वर्क आ गया, अभी ये जो ट्रिप है ना मेरे लिए भी ऐसा हो गया था कि मोनोटोनस हो गया था कि सेम ही हो रहा है, और मुझे पता था कि सेम ही होगा, इसीलिए मैंने सोचा था कि जगह जगह पर हम अपने दोस्तों को इस ड्रीम ट्रिप में इंक्लूड करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रतीक्षा हैदराबाद में हमें मिली थी, वो फिर कहीं और आगे तक हमारे साथ ज्वाइन करने वाली थी, फिर कहीं से सत्या ज्वाइन करने वाला था, कहीं से देव ज्वाइन करने वाला था। सनसेट का खूबसूरत सा शॉट आ सकता है यार। आजकल ना पब्लिक ड्रामा देख रही है, पब्लिक को कंटेंट नहीं देखना है, पब्लिक को देखना है ड्रामा, और मैं ड्रामा दे नहीं पा रहा हूँ, मैं कंटेंट दे पा रहा हूँ। तो लोगों को ड्रामा देखना है तो फिर ड्रामा देंगे, करने नहीं आता ड्रामा लेकिन करेंगे। पहले लोग अच्छा कंटेंट देखते थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा कंटेंट सबसे ज्यादा मतलब बेस्ट है इसीलिए लोग मेरे को देखना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। कंटेंट और भी लोग बना रहे हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, बट लोग देख रहे हैं ड्रामा। वापस जाएंगे मुंबई में तो एक नए तरीके से वापस काम चालू करेंगे ड्रामा के साथ, क्योंकि ड्रामा देखना है तो वही देंगे। बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, बहुत कुछ, ये सब चीज को सोच के फिर एक डिसीजन मैंने लिया कि ठीक है इस ड्रीम ट्रिप को कैंसिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 40 यूनेस्को साइट्स है मैं विजिट नहीं करूंगा, करूंगा मैं, लेकिन आराम आराम से जब भी मौका मिले, जब भी उस स्टेट में मैं जाऊंगा तो ये यूनेस्को साइट करेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी मुंबई जाके जो घर वाले कॉन्टेंट है वो बनाएंगे एक नए तरीके से, एक नए जोश के साथ फिर से हम शुरू करेंगे। हमने जब ड्रीम ट्रिप शुरू किया था तो हम लोगों ने सोचा था कि यार हम उसको अपने तरीके से करेंगे, बट जब हमने ऑडियंस के कमेंट देखे तो हम लोगों ने उस ट्रिप में चेंजेस करना चालू किया। फिर लोगों के कमेंट आते गए कि भाई हिस्ट्री बोर हो रहा है, तो हमने हिस्ट्री वाला पार्ट फिर कम कर दिया। लोगों ने बोला कि भाई आप एक काम करो, आप ये कर लो, हमने वो किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें क्या मिल रहा है, मतलब लोग तो मतलब वही है जिनको जो देखना वो देखेंगे, और अभी ये ड्रीम ट्रिप कैंसिल करने के बाद हो सकता है कि लोग बातें बनाएंगे। और जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना तभी मैंने बोला था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मैंने उस टाइम पे सोचा था कि लोग चाहे कुछ भी बोले मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। फिर मैंने अपना YouTube जर्नी शुरू किया, जैसे जैसे लोगों के कमेंट आते गए उस हिसाब से ना मैंने अपने आप को बहुत बदला हूँ इतने सालों में। मैं जब भी कुछ बोलता हूँ तो मैं सोच के बोलता हूँ, ये बात किसी को बुरी ना लग जाए, ये कुछ गलत ना बोल दूँ, वो कुछ ना कर दूँ। काफी सारी चीजें जो मैं किया करता था अपने लाइफ में, मेरे अंदर एक बचपना है, बहुत बचपना है, बहुत ऐसे नौटंकी हूँ, बहुत हंसी मजाक करता हूँ, वो धीरे धीरे ना ऐसा सहवा सहवा हो गया। लोग ना ऐसे भी कमेंट करते थे, भाई बहुत नौटंकी क्या कर रहा है यार, सीधे से कंटेंट बना, तो वो सब भी बातें लगती थी। एकदम सिंपल टोन में व्लॉग बनाया तो लोग बोलेंगे अरे भाई क्या यार नौटंकी नहीं की, तो मतलब लोगों ने ना घुमा दिया। वो कमेंट का इतना असर पड़ा है इन सालों में, ऐसा नहीं कि कोई एक कमेंट का, ये सब क्यूमुलेटिव मतलब भर भर के जो आए हैं इतने सालों से उसका दिमाग पे बहुत असर हुआ है। हम जो करना चाहते हैं ना वो नहीं हो पाया, तो ये पूरा रात हमने काफी कुछ सोचा, फिर उसके बाद जाके एक डिसीजन लिया। अब दुनिया चाहे जो भी बोले, दुनिया चाहे सोचे कि भाई ये क्यों डाला है, वो क्यों डाला है, या जो भी है, मतलब जो मैं हूँ मैं उसी तरह रह के कंटेंट बनाना चाहता हूँ और नए तरीके से अपना जर्नी शुरू करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं सोचा था कि चलो ठीक है थोड़ा सा मेरे को चाहिए अपने आप को वक्त देना है। तुम लोगों का क्या कहना है, जो भी बात मैंने बोली है इसमें कहीं ऐसा है कि मैंने कुछ गलत बोला तो तुम बोल सकते हो, तुम्हारे कमेंट अप्रिशिएटेड। गलत कुछ नहीं है, बट जब ड्रीम ट्रिप चालू की थी तो ऑब्वियसली ये सब एक्सपेक्ट किया था, शायद लोगों को ना पसंद आए, शायद लोगों को पसंद आए, और उसी रीजन से हम लोगों ने कमेंट्स को बहुत सीरियसली लिया था जिसके मैं खिलाफ थी, क्योंकि मेरे को पता था कि हमारा मकसद है, वी हैव अ विजन ठीक है, एंड समटाइम्स यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट द विजन। तुम कुछ करने जाते हो तो काफी लोगों के उसमें ओपिनियंस हमेशा होंगे, यू विल नेवर बी एबल टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी,
तुम कभी सबको खुश नहीं कर पाओगे। और वही हो रहा था कमेंट्स में, कुछ लोगों को इतना पसंद आ रहा था, कुछ लोग बोर हो रहे थे, कुछ लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया कि ये क्या करने लग गए हो, आपका नौटंकी चाहिए, ये चाहिए। इसने सोचा कि फिर नौटंकी और इन्फॉर्मेशन को भी मिक्स करते हैं। फिर हो गया कि अरे आपने तो डॉक्यूमेंट्री बोला था, ये नहीं है, फिर वो भी ट्राई किया। बट फॉर मी पर्सनली मुझे लगा था दिस वुड बी हमारे लिए एक एवोल्यूशन, हमारे लिए इन द सेंस टीम एमएसके के लिए एक एवोल्यूशन, अलग वे में भी कंटेंट बन सकता है। वो जो नौटंकी वाला है या वो जो टाइम पास करते हैं, वो जो डेली लाइफ होती है, वो तो ऑब्वियसली आई जाएगी फिर से। बट दिस वॉज समथिंग जो एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था इंडियन क्राउड के लिए। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फेम था। द ओनली रीजन दैट आई एम 100% सपोर्टिव ऑफ दिस डिसीजन टू गो बैक टू मुंबई is because I strongly believe in do what you want and do what makes you happy. And also changing for the better. अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि हमने एक चीज सोची थी और जब उसे manifest करने गए बार उस तरीके से नहीं हुई, तो तौर तरीके चेंज करने चाहिए। जैसे आप लोग अपने लाइफ में इवॉल्व हो रहे हो, वैसे हम भी इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे आप सीख रहे हो, वैसे हम भी सीख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर मैं फेलियर हूँ। देखो, फेल में और फेलियर में फर्क होता है। सो मैं इस ट्रिप को लेके मुझे लगता है कि मैं फेल हुआ हूँ, लेकिन मैं फेलियर नहीं हूँ। वापस चीजों को समझूंगा और जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूंगा। एंड मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जब भी मैं जो करना चाहता हूँ वो करूंगा ना, तो लोग ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली खुश होते हैं। और हैदराबाद में एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि भाई आप जो है उसके लिए हमने आपको सब्सक्राइब किया है, बिल्कुल, लेकिन अगर आप लोगों के बोलने पे वो करोगे तो आप वो बन जाओगे, तो आपको जिसके लिए हमने सब्सक्राइब किया था वो चीज मिस हो जाएगी। फिर अगर ये इमरजेंसी नहीं आई होती तो शायद हम इसको और कंटिन्यू करते, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये इमरजेंसी आई तो मेरे को सोचने का थोड़ा वक्त मिला और सोच के फिर हमने ये डिसीजन लिया है कि जब लोग ही नहीं देख रहे और हमने लोगों के लिए कॉन्टेंट बनाना शुरू किया। ऐसा नहीं कि हम नहीं करना चाहते थे, हम भी करना चाहते थे, बट जब हम लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हैं हमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को चेंज करना चाहिए। और अगर इसको सिर्फ अपने लिए कर रहा होता तो मैं पहले 3 महीना पूरा घूम के आता, फिर आराम से बैठ बैठ के एडिट करके डालता। तो मतलब डेली व्लॉग्स करने का रीजन यही है, आप लोग को डेली व्लॉग देना। डेली व्लॉग करना मुझे पसंद नहीं है। विन विन सिचुएशन हो जहाँ पर, मतलब ऑडियंस को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। पूरी कोशिश की, अब मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि मैं ऑडियंस को खुश कर पाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अपने आप को खुश कर लूं। अभी तक मैंने ऐसे नंबर्स के पीछे भागा नहीं हूं कि भाई मतलब नंबर्स हो जाएगा तो मत निकाल स्टिकर। यार इसने स्टिकर निकाल दिया है, यार मेरा ड्रीम ट्रिप का स्टिकर निकाल दिया था। ये सनसेट नहीं हो रहा, ये एमएसके डूब रहा है। बहुत ही प्यारा सनसेट था, तो हमने सोचा कि देख लें सनसेट को होता हुआ। ठीक है, फिर कल वही सनराइज होगा और उसी को हम देखेंगे राइज होता हुआ। क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेच में मार दे मुंबई? ए, मेरी तरफ कर। हम लोग जब बीकानेर से मुंबई एक स्ट्रेच में किए थे, हम अहमदाबाद पहुंचे थे, इसको फोन किया था, इसने बोला था अरे नहीं, हमने फिर भी कर दिखाया, तो हम कर सकते हैं। बीकानेर का राइड था, हम लोगों ने मिडवे सोचा था, बीच में यार कर देते हैं क्या, फिर कर दिया था, तो इसको भी कर देते क्या, कर देते देखते हैं। अगर ये ड्रीम ट्रिप आप लोगों से जुड़ा नहीं होता ना, तो इसको मैं एनी हाउ कैसे भी करता, चाहे वो 3 महीना लगे या 4 महीने लगे। मैं थोड़ा अंदर से अपसेट हूँ, जो मैंने डिसीजन लिया है वो बहुत ही दिल पे वेस्टर्न घाट वाला पहाड़ रख के लिया है भर भर के। बट वाह 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 वाह, सब बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, किसी को तो मारना है मेरे को। चलो यहाँ खड़े रहना ज्यादा सेफ नहीं है, निकलता हूँ। फिर से अभी हम हैं उड़ीसा में, ये बॉर्डर है जी, पहुंच जाएंगे हम आंध्रा में। वेलकम बैक टू आंध्र प्रदेश। हमारे उड़ीसा में हमें लैंग्वेज की थोड़ी भी तकलीफ नहीं हुई, मतलब उड़ीसा में हम जितने लोगों से भी मिले सबको हिंदी आती थी। उड़िया जो लैंग्वेज है वो थोड़ी बंगाली से सिमिलर है, इसलिए मुझे ना थोड़ी बहुत समझ में आ जाती थी। अब वापस हम आ गए हैं आंध्र प्रदेश में, लैंग्वेज प्रॉब्लम चालू यहाँ से। लैंग्वेज का दिक्कत सबसे ज्यादा तमिलनाडु में था, उसके बाद सेकंड नंबर पे आंध्र है, थर्ड पे तेलंगाना है। चलिए फिर रोड एंजॉय करते हैं। सारे मच्छर मारते, देखो कितने मच्छर आ रहे हैं। मच्छर मतलब कोई कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं क्या? देखो कीड़े लोग, तुम लोग अगर ये लग रहा है कि तुम लोग को मैं मार रहा हूँ तो ये तुम गलत हो। मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें एक शरीर से मुक्ति देकर दूसरे शरीर में भेज रहा हूँ, तुमको भी नया शरीर मिलेगा।
ये सारे ये जो हमारे शीशे पे कीड़े मकोड़े हैं ये मैं इनसे बात कर रहा था जी। मुक्ति मिलेगी तुम्हें, मुक्ति, नया शरीर मिलेगा तुम्हें, नया शरीर। तुमको पता है ना तुम मरे हुए कीड़ों से बात कर रहे हो, होता है सदमे के बाद ऐसा। ऐसा लग रहा है मेरा ब्रेकअप हो गया। पीछे से आवाज आई, आवाज आई। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। अभी बज रहे जी रात के 12। सोचा तो था कि पहुंचा देंगे मुंबई, लेकिन रुक जाते हैं थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मतलब ऐसा अगर बाइक होता तो शायद हम पहुंचा देते हैं। कार में नींद ज्यादा आती है और कार में वो क्या कहते हैं उसको यार, इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। अरे नहीं नहीं नहीं, और होता ना एक एंथुजियाज्म, वो थोड़ा मिसिंग है कार। वो बाइक क्या है कि रगों में बस जाता ना, तो क्या उस पर खींच सकते हैं। बट ठीक है, एनीवे हम अभी पहुंच गए, कल वापस जर्नी शुरू करेंगे। और कल की जो हमारी जर्नी है वो लगभग 1500 किलोमीटर की होगी। कहाँ पहुंचे अभी हम लोग? विशाखापट्टनम के थोड़ा सा आगे कहीं तो जगह है, और ये जगह का नाम बताओ। उधर तुमने बोला था एयरपोर्ट है गोपालपट्टनम। गोपालपट्टनम, तो गोपालपट्टनम में हम रुके हैं जी। बाबा टेक केयर, खुदा हाफिज। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। इट्स द साउंड ऑफ सोल इन मी, लिव योर ड्रीम। Showing you a part of our life. अब उस चीज का मकसद ये आपको entertain करना है। I'm not sure मेरा वो point across आया, but ठीक है। नहीं आया तेरा point। मैं वही सोच रहा था कि आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा।